जो कल के दिन मैच हुआ था जो की डे फोर का मैच टू डायनेमिक दिल्ली वर्सेस हरियाणवी हंटर्स, डायनेमिक दिल्ली में जिसमें नितिन चंडीला भाई थे और हरियाणवी हंटर्स में एलविस यादव, रजत दलाल ये सब लोग थे। उसमें हंटर्स जो है जीत चुके हैं 51 रन्स की वजह से और आप देख सकते हैं स्टैंडिंग जो बोर्ड है उसमें हरियाणवी हंटर्स जो है फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं और डायनेमिक दिल्ली पांचवें नंबर पे जिसमें कि उनको बाहर निकलने का खतरा है। ओके, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं नितिन चंडीला कल के दिन नहीं चल पाए, नितिन चंडीला कल के दिन अच्छे खासे रन नहीं बना पाए तो फिर भाई इनकी पूरी टीम ही हार गई। मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है, अगर नितिन चंडीला भाई अगर रन नहीं बना पाते हैं तो इनकी टीम हारती है। नितिन चंडीला भाई एक बार चले हैं तो एक बार इनकी टीम जीती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें नितिन चंडीला भाई को क्या रिप्लाई दिया एलविस यादव ने, आप जरा पहले रिप्लाई देख लीजिए। टीम में उसकी टीम में हमारी टीम फुल हो गई थी इसलिए नहीं ले पाए। तो फिर गाइस आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या रिप्लाई दिया है एलविस यादव ने नितिन चंडीला को। उसके साथ साथ आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए नितिन चंडीला को बंदे जो है कमेंट में मजाक उड़ा रहे थे कि बाउंड्री जो है छोटी सी थी ये वो, तो उसके बदले नितिन चंडीला भाई ने उनको क्या रिप्लाई दिया। दूसरी बात, एक बात और करना चाहूँगा गाइस, अगर एलविस यादव और नितिन चंडीला दोनों आमने सामने खेल रहे हैं तो किसी को हेट देने की जरूरत क्यों है, ठीक है। दोनों के दोनों अपने भाई हैं, सब लोग मिलजुल के रहे, वो चीज़ सही है। अब होता है क्या है, कुछ बंदे जाके एलविस यादव के कमेंट सेक्शन में लड़ाई करने लग जाते हैं और कुछ बंदे जाके नितिन चंडीला को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कमेंट में, ऐसे उन दोनों के बीच हेट बढ़ जाती है। तो गाइस ऐसे हेट वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी गाइस मेरी बात आपको सही लगी या फिर नहीं जरूर कमेंट करके बताएं, और एलविस यादव या फिर नितिन चंडीला में से कौन आपको सबसे अच्छे लगते हैं तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।